छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में मतदान हो गया है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन साफ हो जाएगी। साफ वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। मैं बीसी सम्मेलन में हैदराबाद आया था, मैं मादी का सम्मेलन में आया था और दो दिन से मैं जा रहा हूं। मैं साफ देख रहा हूं कि बीआरएस कांग्रेस दोनों को तेलंगाना विदाई दे रहा है। बीजेपी सरकार तेलंगाना में पहली बार बनेगी, तेलंगाना में पहली बार बनेगी। मोदी सारी तेलंगाना लो, बीजेपी प्रभुत्वम ए पाटू कानुदी। तेलंगाना के लोगों ने दुबक्का और हुजाराबाद में ट्रेलर देखा था, अब पूरे तेलंगाना में कमल खिलने वाला है। सकला जनुला सौभाग्य तेलंगाना के निर्माण का संकल्प सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। ना तेलंगाना और असमर्थ सरकारें देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपने 2014 में कांग्रेस की कमजोर सरकार को हटाया, बीजेपी की मजबूत सरकार बनाई, जिसके कारण आज देश से आतंकवाद का सफाया हो रहा है, चुन चुन करके सफाया हो रहा है। ना कुटुंब सभ्युल्लारा ई रोजु ये तेलंगाना के सीएम ये इसे अपनी जागीर मानते हैं, केसीआर को आखिर दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, वहां क्यों जाना पड़ा, कांग्रेस के राहुल गांधी को भी अमेठी छोड़कर के केरल में भागना पड़ा था, केसीआर को भी भागना पड़ा है, इसका एक बड़ा कारण बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार इटला राजेंद्र जी है और दूसरा कारण किसानों और गरीबों का गुस्सा है।